अस्सलामुअलैकुम, इजी किचन में आपको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे ज़ीब्रा केक, नो ओवन। इसके लिए केक के बर्तन में हम तेल लगाएंगे, आप बटर भी लगा सकते हो। अच्छे से तेल लगाएं और उसके ऊपर मैदे का आटा है उसको डस करें, या बटर पेपर होगा वो भी डाल सकते हैं, या सादा पेपर भी लगा के आप तेल लगा के या बटर लगा के रख सकते हैं। मैंने मैदे का आटा चारों बाजू से अच्छे से फैला रही हूँ। देखिए, ये चैनल एक केक देखने से पहले चैनल को लास्ट तक देखें, आपको अच्छे से डिटेल समझ में आ जाएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, मैंने एक प्याला भर के तेल यूज़ की हूँ, रिफाइन ऑयल है और शक्कर है। मैं घर में मिक्सर ग्राइंडर में पीसी हूँ पाउडर बनाई, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से, तेल और शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए जब तक। और है ना, मैंने एक प्याला दूध है, नीम गरम है, उसमें 1 टेबल स्पून विनेगर है, दूध में अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे तो बटर मिल्क हो जाता है, बटर मिल्क अच्छे से बन गया। देखें, थोड़ा सा मैं रुकाई हूँ, बाद में वो भी डाल दूँगी। बटर मिल्क अपने घर में बना सकते हैं, बहुत इजली है। 1 प्याला है मैदे का आटा, मैं अच्छे से उसको छान के तैयार करके रखी थी मैंने। 1 टेबल स्पून है बेकिंग पाउडर, सब छान के मैं रखी हूँ अलग से। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मीठा सोडा है यानी कि बेकिंग पाउडर सोडा, और चुटकी भर नमक टेस्ट के लिए, जो हमारा दूध है ना विनेगर डालेगा बटर मिल्क में, वो पूरा कप भर के कप में जो रखा था वह मैंने डाल दी। देखिए कितना अच्छे से अच्छे स्मूथ हो गया हमारा केक का बेटर तैयार हो गया, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, मीडियम से। अब और उसको और एक प्याले में निकाल लेंगे आधा आधा करके। देखिए आधा आधा हो गया है। अब इसमें हम हॉट चॉकलेट पाउडर डालेंगे। ये मैंने पैकेट है ना, पूरा पैकेट मैं इसमें मिक्स कर दी हूँ। ये 15 रुपए का पैकेट मिलता है, ये केक में पूरा आ जाता है अच्छे से। पानी नहीं, कुछ नहीं, सेम टू बेटर एक जैसा है तैयार करना है अपने। पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल एसेंस है, मैं यूज कर रही हूँ। देखिए 2-2 टेबल स्पून डालना है आपको, 2 टेबल स्पून व्हाइट वाली है, 2 टेबल स्पून चॉकलेट वाली है। दोनों ऐसा दोनों चम्मच डाल के उसको थोड़ा ऐसा फैला देंगे ना तो अच्छे से कलरफुल अच्छे से बन जाएगा। देखो कितना अच्छा से कलर आ गया है, मैंने पूरा और बेटर डाल दी हूँ। चम्मच के तरह से या तो स्टिक फेंगा, स्टिक से भी आप डिजाइन कर सकते हैं।
मेरे पास नहीं था, मैं छोटी चम्मच के जरिए से मैं लाइन लगा रही हूँ, आप चाहे किसी से भी कर सकते हैं। ये पूरी 8 लाइन हो गई है मेरी। आप चाहे और भी डिजाइन कर सकते हो। मेरे पास स्टिक खत्म हो गया था तो मैंने चम्मच के जरिए से लाइन लगाई हूँ। देखिए कितना अच्छा से लग रहा है। आज मैं ओवन में नहीं बनाऊंगी, कढ़ाई में बनाऊंगी। कढ़ाई है ना मेरा, पहले से मैं गरम करके रखी थी, 5-10 मिनट पहले मैं पहले से गरम करके रखी स्लो गैस पे। अभी मैं उसके ऊपर रिंग नहीं लगाई हूँ, ऐसा ही केक का बर्तन रखी हूँ और ढक देंगे 20 मिनट तक, उसको पकाएंगे स्लो गैस में। देखिए चेक कर रही हूँ मैं, 20 मिनट हो चुका है मेरा। अच्छे से तैयार हो गया, इतना अच्छा फूल गया है देखिए। एक 5 मिनट फ्रिज में रखा मैंने। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।
केक अच्छे से तैयार हो चुका है स्पंजी, बहुत मज़ेदार बना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।